आज मैं आप लोगों को यंग जनरेशन में डायबिटीज़ को कैसे बचाया जा सके या उसको नहीं होने दिया जाए पर बतलाना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप हम सब लोग जानते हैं, डायबिटीज़ एक वंशानुगत यानी कि हेरिडिटरी डिसीज़ है और इस डिसीज़ को उनके होने वाली संतानों को होने की संभावना नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा होती है। मेरा सभी से यही कहना है कि जो परिवार में जिस परिवार में माता पिता या उनके भाई बहन यानी चाचा बुआ मासी मामा को किसी को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है तो उनकी होने वाली संतानों को अपनी 30 साल की उम्र के बाद में अपनी जांचें नियमित रूप से कराते रहना चाहिए। हमारी भाषा में हम इसको ऐसा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, या हम यह भी कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। तो बीमारी होने ही न दी जाए उसके लिए जो भी व्यक्ति इसके भी परिवार में डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की बीमारी है वह अपने HbA1c एक मापदंड है जो हर 6 महीने की अंतराल से कराते रहें और उसका एक रिकॉर्ड रखें और देखें कि ग्राफिकल मैनर में यह बढ़ता तो नहीं जा रहा है। अगर HbA1c आपका 5.7 या 5.6 से ऊपर जा रहा है तो नई परिभाषा के अनुसार आप प्री डायबिटिक हैं। कोशिश यही रहे कि हमारा HbA1c 5.7 से अंदर रहे। 5.7 टू 6.4 तक नई टर्मिनोलॉजी के अनुसार प्री डायबिटिक के स्टेज में आप आते हैं जहां आपको कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन डायबिटीज़ की शुरुआत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मैं मुख्य रूप से स्टॉप डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ होने ही न दी जाए इस पर कार्य करता हूं और इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, यदि आपके परिवार में नाना नानी से लेकर उनके बच्चे यानी आपकी मामा मौसी या दादा दादी से लेकर उनके बच्चे यानी आपके चाचा ताऊ और बुआ और आपके माता पिता में किसी को डायबिटीज़ की बीमारी है तो आपको 30 साल की उम्र या समझें 25 साल की उम्र से ही अपना HbA1c कराना शुरू कर देना चाहिए ताकि समय रहते हम इस बीमारी से निदान पा सके, इसको प्रिवेंट कर सके और अगर हो भी जाए तो इसके होने वाले दुष्प्रभाव को डिले कर सके। धन्यवाद।